दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बिल्कुल सरल और सामान्य आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, इसे क्या इलाज हो सकते हैं, यानी आप कैसे समझेंगे कि आपको कैंसर हो गया है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है, क्या पहचान है, कैंसर हो क्यों जाता है। इन सारी बातों को बिल्कुल सरल और सामान्य हिंदी भाषा में समझाऊंगा, हर आदमी इसको समझ सकता है। आप लोग रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझ पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूवर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को देख के चले जाते हो, वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ऐसे ही मैं प्रतिदिन यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों पहले नंबर आप लोग उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो अपना देश है, हर शहरों में 10-10 चोर हैं, चोर तो हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर इलाके में चोर हैं। अगर ये भारत के में मान लो 5 लाख चोर है पूरे इंडिया भर में सपोज, अगर ये 5 लाख चोर यदि किसी एक शहर में आकर इकट्ठा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगा ना, प्रशासन भी इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इनको ये संभाले नहीं समझ सकते। अगर 5 लाख चोर किसी एक शहर में आके इकट्ठे हो जाए एक साथ तो क्या होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो यही होता है दोस्तों कैंसर में, हमारे मानव शरीर में कैंसर की कोशिकाएँ अवेलेबल हैं सबके शरीर में, लेकिन वो पूरे शरीर में जहाँ तहाँ तितर बितर है। अगर एक जगह घनीभूत हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ा करती हैं और कैंसर की कोशिकाएँ वहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है और अति शक्तिशाली हो जाती हैं, फलतः हमारे अवयवों को ये बहुत क्षति पहुँचाती है जो लाइलाज की श्रेणी में आ जाता है। जैसे वायुमंडल में देखते हो आर्द्रता हर जगह है, पानी हर जगह लेकिन दिखता नहीं है, वही जब आर्द्रता पानी जब घनीभूत बन के बादल बन जाता है तो बरसने लगता है, यानी ये नहीं कि बादल आ जाता है, पानी पहले से अवेलेबल है आकाश में वायुमंडल में है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो बादल बन के बरसना शुरू हो जाता है, बाद में ज़्यादा घनीभूत होता है क्या होता है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अब यही सामान्य भाषा समझ लो कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में कैंसर की कोशिकाएँ पूरी हर आदमी के शरीर में है, लेकिन तितर बितर जहाँ तहाँ है तो हमें कोई समस्या नहीं होती, हमें कोई लक्षण कोई सिम्टम नहीं दिखते। वो जब लगती जगह घनीभूत होने तो यह हमारे लिए चुनौती बन जाती है। अब इसे निपटे कैसे, तो दोस्तों तुलसी के पत्ते का सेवन करने से इनको घनीभूत होने से रोका जा सकता है, नीम के पत्तों का सेवन करने से इन्हें घनीभूत होने से रोका जा सकता है, शीशम के पत्ते का जूस पीने से, काढ़ा पीने से इनको घनीभूत होने से रोका जा सकता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया, इन्हें पहले रोक दिया जाए तो ठीक है, अतः इसीलिए कहा गया कि नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते या शीशम के पत्ते का सेवन करना चाहिए। दोस्तों गेहूं के ज्वारे भी इसमें बहुत फायदे करते हैं, गेहूं ज्वारे का रस भी पिया जाए तो बहुत फायदा करता है। दोस्तों गेहूं ज्वारे का रस कैसे बनाते हैं मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आपको देख लेना मिल जाएगा। अब दोस्तों कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, पहले नंबर दोस्तों हमारे शरीर में दो तरह की रक्त कोशिकाएँ होती हैं, एक लाल रक्त कण होते हैं, एक सफ़ेद रक्त कण होते हैं, श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण। तो दोस्तों श्वेत रक्त कणों की संख्या हमारे शरीर में 4,500 से ऊपर और मैक्सिमम 10,000 तक चल सकता है। अगर इनकी संख्या 10,000 से ऊपर जा रही है, 20,000, 25,000, 50,000, तो हमें श्वेत रक्त कण की कैंसर हो जाता है, उसे श्वेत रक्त कण की कैंसर कहते हैं। यह करीब करीब बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, इलाज की श्रेणी में आता है, अगर सही समय पर सही इलाज हो गया तो मरीज ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारी प्लेटलेट काउंट देखा आप लोगों ने, प्लेटलेट काउंट अगर हमारा नॉर्मल रेंज 1.5 लाख तक होना चाहिए, अगर 1.5 लाख से कम है या अगर 25-30 हज़ार पर आ गया तो भी कैंसर ही कहा जाएगा, मरीज की मौत होने का खतरा बढ़ जाते हैं, उसके हर अंग से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और यदि ऊपर में यदि इनकी संख्या 1.5 लाख से बढ़ के यदि 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख यदि हो जाए तो यह कैंसर के लक्षण है, कैंसर कहा जाता है इसे।
इसमें खून का थक्का बन जाता है, मरीज़ की मौत हो सकती है, हार्ट ब्लॉकेज आ सकता है, हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, नसें जाम हो जाती हैं, नसें थक्के बनने से नसें बंद हो जाती हैं, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, फलता हार्ट अटैक आ सकता है, मरीज़ की मौत हो सकती है। तो इसको समय रहते इलाज करवा लेंगे तो आप बच जाएंगे। ब्लड का ज़्यादा घट एनीमिया भी कैंसर की श्रेणी में आता है। तो यदि एनीमिया यानी आपके शरीर में यदि रक्त की कमी, अत्यंत रक्त की कमी हो जाए, 2 ग्राम 3 ग्राम अगर ब्लड आ जाए तो भी कैंसर के लक्षण है, क्योंकि किसी न किसी कारण से ब्लड खत्म होते हैं, ब्लड इतने कम होते हैं, वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि ब्लड इतना कम हुआ तो क्यों हुआ। अगर मरीज खाना खा रहा है पी रहा है तो फिर ब्लड कम क्यों हुए। तो दोस्तों अगर 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम पर यदि ब्लड आ गया तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी आ गई, तो इसका मतलब है वो कैंसर का लक्षण है, मरीज जान खतरे में, फौरन दे अंदर कैसे डॉक्टर दिखाएं, आप बच जाएंगे। दोस्तों अगर ब्लड ज़्यादा हो गया, जैसे हीमोग्लोबिन की संख्या नॉर्मली 13-14 ग्राम तक होना चाहिए, यदि 17 ग्राम 18 ग्राम 20 ग्राम 22 ग्राम पर ब्लड चला गया तो इसमें हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस लगवा सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये भी उसी से मिलता जुलता रोग है जिसमें मरीज़ की मौत हो जाती है, हार्ट उसको झेल नहीं पाता, नसें झेल नहीं पाती, होता ब्रेक करके नहीं लीकेज हो जाता है, मरीज़ की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी बातें बताया, ब्लड कैंसर के सामान्य लक्षण है, क्रिटिकल वर्ड आप सब आप लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने सामान्य लक्षणों का, सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग समझ गए। यदि आप समय रहते डॉक्टर दिखाएंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसे लक्षण पैदा होते हैं तो देरी करेंगे तो जान खतरे में, जोखिम पड़ सकता है, अतः खतरनाक भी है। तो यदि आप लोग मेरा सलाह ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।